देखिए, अगर आपने केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच का मैच नहीं देखा है तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है, क्योंकि केकेआर की टीम 106 रनों से दिल्ली कैपिटल्स पर जीत दर्ज कर चुकी है और इतिहास का अपना आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बना चुकी है, क्योंकि केकेआर की टीम ने 272 रन का लक्ष्य दिल्ली कैपिटल्स के सामने बनाया था और दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 106 रनों से हराया है। और अब केकेआर की टीम पॉइंट टेबल में अगर देखा जाए तो एक नंबर की पोजिशन पर पहुंच गई है, क्योंकि पहले इस पोजिशन पर राजस्थान रॉयल्स की टीम थी, लेकिन अब केकेआर की टीम पहुंच गई है। और आपको यह भी बताते चले कि केकेआर की टीम पहली बार आईपीएल के इतिहास में ऐसा हुआ है कि शुरुआती तीनों मुकाबले जीतने के बाद पॉइंट टेबल में एक नंबर की पोजीशन पर आई है। बहरहाल हम इस टॉपिक पर बात करने नहीं आए हैं, हम जो बात करने वाले हैं वो उन टॉप 5 मोमेंट के बारे में करने वाले हैं जो कि इस मैच में हमें देखने को मिले। जी हां दोस्तों, सबसे पहला मोमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहला मोमेंट ऋषभ पंत को लेकर है, क्योंकि भारत की टीम पिछले काफी समय से लगातार टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए अपने सबसे बेस्ट विकेट कीपर की तलाश में है और अब भारतीय टीम की वो तलाश हमको खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि शुरुआती दो मैचों में अगर ऋषभ पंत के रिकॉर्ड को उठाकर देख लिया जाए तो सभी यही कह रहे थे कि वो शुरुआती दौर के जो ऋषभ पंत है वो कहीं मिस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि टी20 क्रिकेट में गजब की बल्लेबाजी किया करते थे, क्योंकि शुरुआती दो मुकाबले अगर ऋषभ पंत के देख लिए जाए तो उनमें उनके बॉल बाय बॉल रन आए थे, लेकिन सीएसके के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने 32 गेंदों पर 51 रनों की पारी खेली वह काबिले तारीफ थी। उन्होंने बताया है कि टी20 फॉर्मेट के अभी भी वो बादशाह है, उसके बाद अब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ केकेआर के खिलाफ भले ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम मैच हार गई हो, लेकिन ऋषभ पंत की 25 गेंदों पर 55 रनों की एक शानदार पारी आई है और उन्होंने डंका बजा दिया है कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अब विकेट कीपिंग कोई और नहीं बल्कि ऋषभ पंत भारतीय टीम की तरफ से करने वाले हैं। उसके बाद दूसरे विकेट कीपर वो देखने होंगे कौन से होंगे, क्योंकि दो विकेट कीपर एक साथ टी20 वर्ल्ड कप में जाने वाले हैं, उसमें से एक विकेट कीपर लगभग कंफर्म हो चुके हैं, वो होंगे ऋषभ पंत, क्योंकि ऋषभ पंत अपनी शानदार फॉर्म में वापस लौट चुके हैं और अब 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से लगातार बल्लेबाजी कर रहे हैं। वही दूसरा मोमेंट उस वक्त आया जब ऋषभ पंत से सबसे बड़ी गलती हो गई। जी हां दोस्तों, जब पारी का चौथा ही ओवर चल रहा था और ईशांत शर्मा के हाथों में गेंद थी, ईशांत शर्मा एलबीडब्ल्यू के लिए अपील करते हैं और ऋषभ पंत इधर उधर देखते हैं। ऋषभ पंत को यह पता ही नहीं चलता है कि गेंद कहां से जाएगी, किस लाइन से जाएगी, बल्ले से टच होगी या नहीं होगी, और इतने में वो रिव्यू लेने का डीआरएस लेने का टाइम निकल जाता है। लेकिन बाद में जब फ्रेम में देखा जाता है तो उस टाइम सुनील नारायण आउट थे और अगर सुनील नारायण को देखा जाए तो उस वक्त सिर्फ 24 रन पर खेल रहे होते थे हो रहे होते हैं, और अगर उस वक्त ऋषभ पंत वो रिव्यू ले लेते तो आज मैच की दशा कुछ और होती, क्योंकि सुनील नारायण जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई है वह देखने लायक थी, क्योंकि सुनील नारायण एक बॉलर के तौर पर केकेआर की टीम में खेलते हैं और अगर उनकी परफॉर्मेंस देख ली जाए तो किसी धुआंधार बल्लेबाज से कम नहीं है। पिछले मैच में उन्होंने एक अच्छी पारी खेली, इस मैच में अगर उनकी पारी की बात की जाए तो 39 गेंदों पर 85 रन उन्होंने बनाए, अपना आईपीएल का सबसे हाईएस्ट स्कोर उन्होंने बनाया और 15 रन से अपनी सेंचुरी से चूक गए। वहीं तीसरा मूवमेंट रिंकू सिंह को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भारतीय टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए अगर देखा जाए तो अपने सबसे बेस्ट फिनिशर की जो तलाश चल रही है वो तलाश अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि रिंकू सिंह बार बार बेस्ट फिनिशर की भूमिका आईपीएल में निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारतीय टीम में निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस मैच में भी अगर रिंकू सिंह की परफॉर्मेंस देख ली जाए तो इस मैच में रिंकू सिंह ने 8 गेंदों पर 26 रनों की शानदार पारी खेली है और एक ओवर ऐसा आया था जिसमें रिंकू सिंह ने एक बार फिर से 3 छक्के लगाए हैं, एक चौका लगाया था, और इस तरह से यह कहा जा सकता है कि रिंकू सिंह ही वो भारतीय टीम में टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़े बेस्ट फिनिशर के रूप में उभर कर सामने आने वाले हैं। वहीं अगला मूवमेंट, जी हां दोस्तों, केकेआर की टीम ने भारत को एक नया सितारा दिया है, चौथा मूवमेंट यह रहने वाला है, वो है अंगक्रिस रघुवंशी। जी हां दोस्तों, अंगक्रिस रघुवंशी को अगर आप नहीं जानते, आपको बता दें साल 2022 का जो अंडर-19 का वर्ल्ड कप हुआ था यही वो अंगक्रिस थे जिन्होंने भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए थे। जी हां दोस्तों, अंगक्रिस ने 274 रन लगभग अंडर-19 के 6 मैचों में बनाए थे, 46 का उनका स्ट्राइक रेट था, और अब गौतम गंभीर की मेंटरशिप में अंगक्रिस ने नंबर 3 पर आकर 27 गेंदों पर 54 रन बनाकर यह साबित कर दिया है कि वह लंबी रेस के घोड़े हैं, वह उतनी आसानी से भारतीय टीम से पीछा नहीं छुड़ाने वाले, भारतीय टीम उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकती, वह आने वाले समय में भारत के सुपरस्टार बनने वाले हैं। और अंगक्रिस ने एक नया कारनामा अपने नाम किया है, वह केकेआर की तरफ से दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने कि सबसे
सबसे कम एज में 50 लगाई है। इससे पहले यह रिकॉर्ड शुभम गिल के नाम था, हालांकि उन्होंने 18 साल 300 दिन के आसपास में 50 लगाई है और शुभम गिल ने 18 साल लगभग 210 दिन के आसपास वो 50 लगाई थी। वहीं अगला मूवमेंट, जी हाँ दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि गौतम गंभीर खुद रहने वाले हैं, क्योंकि गौतम गंभीर जब से केकेआर की टीम के मेंटर बने हैं, केकेआर की टीम की दिशा और दशा दोनों बदल कर रख दी है। किस तरह से वह सुनील नारायण का उपयोग कर रहे हैं, किस तरह से वह एक नए लड़के को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए भेज देते हैं और वह 27 गेंदों पर 54 रन बनाकर चला जाता है। यह सब किसी और की बदौलत नहीं बल्कि मेंटर गौतम गंभीर की तरफ से किया जा रहा है, उनके माइंडसेट को लेकर कहा जा रहा है। गौतम गंभीर बेबाक खिलाड़ी हैं, अपने बयान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आरसीबी को तो सीधा कहा था कि आरसीबी की टीम से हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है, आरसीबी के पास सिर्फ एटीट्यूड है, बाकी कुछ नहीं है, ट्रॉफी के नाम पर नीलबट्टे सन्नाटा है, हमारे पास 2-2 ट्रॉफियां हैं, आरसीबी से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। तो ये वो 5 मोमेंट थे जो कि इस मैच में देखने लायक थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा।